टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियन टीम को अब एक दिवाली गिफ्ट दे दिया है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर उनको बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया और ये भारतीय टीम की सबसे बड़ी भूल रही। आप टॉस जीतते हैं और उनको बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर देते हैं बिना सोचे समझे। रोहित शर्मा की इस घटिया कप्तानी की वजह से टीम इंडिया इतनी ज्यादा इस टेस्ट मैच में पिछड़ चुकी है कि अब टीम इंडिया की वापसी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जब कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं तब मैदान पर हल्की सी ठंड थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, पिच पे थोड़ी सी हरी घास थी। बस इसी से इन्फ्लुएंस होकर रोहित शर्मा चार पेसर्स का खिलाने का निर्णय लेते हैं और आपके नंबर वन स्पिनर को आप ड्रॉप कर देते हैं। इतनी देखिए कितनी घटिया ये सोच है, कितनी घटिया कप्तानी है। बेचारे रविचंद्रन अश्विन पिछले 60 टेस्ट मैच तो खेल ही नहीं पाए हैं इंग्लैंड में, हर बार उन्हीं को ही क्यों बाहर बैठना पड़ता है। ऐसा क्या गुनाह किया है रविचंद्रन अश्विन ने कि वो लगातार विकेटें लेते हैं और वो बाहर बिठाते हैं आप लोग उन्हें। जब टेस्ट मैच शुरू हुआ तब भारतीय टीम ने 3 विकेटें भी चटका दी उनकी। शुरू में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने अच्छा स्पेल डाला लेकिन उसके बाद सारा मैच ही खुल गया जब शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव बॉलिंग के लिए आते हैं। सब कुछ खुल गया, ऑस्ट्रेलिया इतना आगे निकल चुका है कि अब भारत को कैचअप गेम ही खेलना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया अब 500 रन की दहल सोच रहा होगा, 500 रन की उनमें सोच दिख रही होगी। ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 327 पर 3 है जहां स्मिथ अपने शतक के पास है और ट्रेविस हेड 150 के करीब पहुंच चुके हैं। भारतीय टीम की ऐसी लचर गेंदबाजी नजर आई है कि अब ऐसा लगता है कि टीम इंडिया को अब यहाँ ड्रॉ करवाना भी मुश्किल होगा। जीत की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, जो रोहित शर्मा ने गिफ्ट दिया है वो हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। आप क्या टॉस जीतते हैं, आप पहले सत्र के हिसाब से क्या टीम बनाई है आपने, क्या टेस्ट मैच सिर्फ एक सेशन का होगा, दूसरे सेशन में धूप निकलती है और वहां से क्या पटाखे चलते हैं साहब। सब कुछ खुल गया, टीम इंडिया इतनी ज्यादा लचर पोजीशन में आ चुकी है कि अब टीम इंडिया की वापसी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। क्रिकेट की हर अपडेट के लिए आप फॉलो करें हमारा फेसबुक पेज द क्रिक न्यू और आप हमारी वेबसाइट www.cricknew.com पर भी जा सकते हैं।